हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पालक की खिचड़ी बच्चों के लिए कैसे बनाते हैं। पालक की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पालक की प्यूरी। पालक प्यूरी बनाने के लिए एक बर्तन में आप पानी उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तब उसमें पालक के पत्ते को साफ करके डाल दें और पानी के साथ पालक के पत्तों को करीब 2 से 3 मिनट के लिए उबलने दें। फिर उसके बाद पालक के पत्तों को निकाल लें। उसके बाद जब पालक के पत्ते ठंडे हो जाएंगे तब आप उनको पीस लें। आपकी पालक की प्यूरी बन जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा देसी घी। देसी घी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बारीक कटे हुए प्याज, यहाँ पर 2 चम्मच मैंने प्याज लिए हैं। लहसुन बारीक कटे हुए, यहाँ पर मैंने 2 लहसुन की कलियाँ ली है। हल्दी, जीरा, हींग और स्वाद अनुसार नमक। और हमें चाहिए होगा चावल और दाल। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच छिलके वाली मूंग की दाल और 2 चम्मच चावल लिए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे। यहाँ पर मैंने केवल 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा भुन जाएगा तब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कटोरी पालक की प्यूरी डालेंगे और इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। मैं हींग डालना पहले भूल गई थी इसलिए मैं अब हींग डाल दे रही हूँ। आप प्याज को भूनते टाइम भी हींग डाल सकते हैं। अब हम इसमें चावल दाल को डालेंगे। चावल दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। या आपको थोड़ी और पतली खिचड़ी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, या फिर अगर आप अपने बेबी को अभी नमक नहीं देते हैं तो आप नमक स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे 3 से 4 सीटी होने तक मीडियम आंच पर पकने देंगे। चार सीटी हो चुकी है, अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए प्रेशर कुकर को छोड़ देंगे। सारा प्रेशर निकल चुका है, अब हम अपनी खिचड़ी को खोलकर देख लेते हैं। हमारी खिचड़ी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारी पालक की खिचड़ी बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर अपने बच्चों को दें, जिससे कि स्वाद भी बढ़ता है और देसी घी बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। अगर आप 1 साल से छोटे बच्चों को ये खिचड़ी दे रहे हैं तो आप इसे मैश करके भी दे सकते हैं। आप इसे हाथ से या फिर हैंड ब्लेंडर से मैश करके भी दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हैंड ब्लेंडर से मैश करके ये खिचड़ी दिखाती हूँ।
देखिए ये एकदम प्यूरी की तरह बन गई है। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ ही साथ में ये बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी बना सकते हैं अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।